अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र हम सब खैरियत से, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे अल्लाह और उसके हबीब और प्यारों के सदक़े में। जब तक हम वीडियो डालेंगे उस वक्त तक बकरा ईद हो चुकी होगी। हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, आज की बड़ी मुबारक हो और बकरा ईद। तो आज हम डेरे पे आए हैं, मियाँ साहब की बर्थडे भी है और ईद भी है, ये दोनों खुशियाँ हम एक साथ कर रहे हैं। तो बाकी जो है हम आपको गार्डन में जाके वीडियो के थ्रू अपना सारा प्रोग्राम जो है वो ईद का और बर्थडे का शेयर करेंगे, दिखाएंगे। आपको कैसा लगा आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी बताइएगा ज़रूर। और जहाँ जहाँ देखने वाले जिस जिस मुल्क के भी हैं मुसलमान, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत हज और ईद की ढेरों खुशियाँ, मुबारक हो आप लोगों को। हम सबको मौला हज और ज़ुवारियाँ करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन्होंने हज किया है मौला उनकी इस नेक इबादत को और अजीम इबादत को कबूल करे। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं मौला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। तो होती है आप लोगों से मुलाकात फिर जी। तो हम लोग अपने गार्डन में आ गए हैं, आपको दिखाते हैं कि ये देखें हमारी बहुत सारी ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें थी लगाई मैंने, वो सारी माशाल्लाह बड़ी बड़ी हो गई हैं। पौधे जो हैं वो पहले से काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखिए इनके अंदर बीज से निकल आए हैं, तो मैंने इसलिए इन उस वक्त घास को नहीं उतारा था ताकि ये देखिए ये ना। और इधर सारे जो टमाटरों सॉरी मटरों के लगाए थे इस पे देखें, ये मटर के अब आ गए। अब इन पहले इसका ये शाल बनेगी मटरों की, फिर उसके बाद इसके अंदर दाने आ जाएंगे। अभी आलू लगाए हैं पिछले हफ्ते, तो वो तो नहीं अभी निकले, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से निकल आएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने दूसरे, वाओ। ये हो गया। हाँ तो फिर ये तो गरम गरम खाने का ही मजा ऐसा है, है ना। हाँ, काम बंद करते हैं। ये दी, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने और जारा ने यहाँ से सफाई की, ये पत्ते पत्ते सारे इधर गिरा दिए। अभी इस तरफ रहता है, ये देखें
काम बड़ा होता है जब यहाँ हम आते। ये देखिए सारा अंदर कर दिया मैंने, ऐसे बिखेर दिया उसको, वो जुड़े हुए थे सारे एक दूसरे के साथ ना, इसकी डालियाँ। पता नहीं अब पानी देंगे कि नहीं इसको, क्योंकि बारिश वाला मौसम अच्छा मौसम है। आज हम ये पुदीना घर लेके जाएंगे सारा। सैफ ये हरी मिर्चें भी बेटा, इसको भी ग्रिल करेंगे आप। ये बना कैसा है चेक करूं थोड़ा। अभी चेक करती हूँ। मजे का दिखा के देखो, आधा तोड़ो। नहीं मैंने खाया। अच्छा आधा आधा कर दो, बहुत है मेरे लिए फिलहाल। खेचो आप थोड़ा नहीं लगा रहे क्या? थोड़ा नहीं लगा रहे चिकन, जल्दी जल्दी ज्यादा लगा। मैं कह रहा हूँ सारे आ जाए तो ठंडा हो जाए ना, उधर मजा आना ना उधर मजा आना। जो ग्रिल करने वाली वो एक तरफ कर दे, जो खाने वाला है वो दूसरे में इस पे लगा दे। अच्छा लगा मसाला है ना। माई बाबा दवाई लैन आ गया, बाजी ने कहना मर तू तो मारी जाना रह, एडी महंगी दवाई सिर्फ मेडिसिन कर सकता है, लेकिन वो कहेगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर से लिखवाए ये करें वो करें, आप खुद नहीं। अच्छा गर्मा गर्म इनकी प्लेट में आ रहे हैं, हमने एक शिफ्ट लगाई अब दूसरी के लिए इंतजार में है कि गर्मा गर्म आएंगे तो फिर हम खाएंगे। आप तो हाथ से ही कर लेते हो। सैफ ये टमाटर तो करे, मैंने खाया बड़ा मजा आया टमाटर का, मगर वो ठंडा हो गया था ना, आप गरम गरम खाएंगे। एक अपना एक मेरा और एक पापा का, बाकी तो कोई नहीं खाता, हम तीनों खाएंगे गरम। चलो ये मेरे हाल में होने गया, हो गया दे दे मम्मा को। नहीं आप ले आधा आधा मैं लूंगी। गुडुल बेटे गुडुल, अभी ग्रिल जो रह गई थी बाकी वो मैंने कहा कर ही ले घर ले जाएंगे, घर जाके खाएंगे कोयलों वाली ग्रिल। हाँ बारिश का नहीं कहा, इसीलिए कहा यहाँ बारिश का कोई एतबार नहीं, कोई नहीं पता कैसा मौसम होता है। और बर्लिन का लिखा हुआ था कि बर्लिन में बारिश है, हैं? और आपसे मैंने पूछा मौसम देखो तो आपने कहा मम्मा इधर बारिश नहीं है ना ब्रीजन में। कोई सीट वगैरह है? क्या करें? ये अच्छी खुशबू आ रही है, जो रुखसाना ने परफ्यूम लगाया है बहुत बढ़िया है, अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा? अरे
यहाँ चाय बन रही है ये। ओ ये टमाटर पीछे कर देना, इसको प्लेट में निकाल दे। हाँ ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसको इधर ये लगा के ना इसके ऊपर रखे। कमरे में डाब पी लेते हैं। जी जी ये देखें, आज ये सारा हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश है साफ करके जाएंगे। वो देखें, देख पूछ लेती हूँ चाय मियाँ साहब बाहर की अंदर चाय कमरे में पीनी है कि बाहर बैठ के पिए? चले ठीक है। ये मेरी जानू मानू, ये देखे जी मेरी जानू मानू, मेरी काली काली सी जान है ये, छोटी सी मेरे लिए तो अभी छोटा सा ही है मेरे साथ। ये देखो मेरा बच्चा जी। आज मियाँ साहब की बर्थडे थी, जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो में बताया था, तो रुखसाना और फरहान की तरफ से केक है। मैंने और सैफ ने अपनी अपनी पसंद के मियाँ साहब को परफ्यूम दिए हैं। ये एक मेरी तरफ से है, ये सैफ की तरफ से है, फिज़ा और जहरा ने दिए। ये लें जी मियाँ साहब, हमारी तरफ से गिफ्ट है मेरी और सैफ की तरफ से, आप भी दे दें। ये फिज़ा और जहरा की तरफ से फूल हैं आपके लिए। जाएं आप चले। अब मामा कहाँ है? है अभी स्कूल कम नहीं कुछ ना तो बड़ी मामा सैफ था तू इश और मामा मैं इधर बैठती हूँ सैफ उधर बैठ जाएगा पापा इशा तो बैठ जाएगा सैफ मैं बड़ी मामा तू इश मामा। हाँ चले मियाँ साहब केक काटे। जी सौ बरस तक केक काटते रहे, इसी तरह सालगिरह आपकी होती रहे, हम मनाते रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you। ये देखिए है ना, जो रेगुलर देखते हैं हमारी वीडियो है ना, आप लोग तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना साफ किया है। यहाँ से सारा जो दरख्त काट के पिछले साल हमने रखे हुए थे, तो वो फिर इन लोगों को कहा तो वो नहीं आए उठाने के लिए ये सारा। और मैं आपको दिखाती हूँ जो दरख्त के बड़ी बड़ी शाखें थी और ऐसी जो हम फेंकने, दिखाती हूँ आप लोगों को ये सारी। इधर हमारे वो सारे औजार होते हैं जो इधर हम इस्तेमाल करते हैं, मशीन हर चीज़ के लिए ना, काटने के लिए, नरम करने के लिए। ये सीढ़ी है, ये भी अंदर रखेंगे अभी। देखिए वो जो ग्रिल का सारा कोयला था अब हमने इसके ऊपर फेंक दिया। अब यहाँ से लगेगी सबको आग। इस कदर पुदीने की खुशबू इतनी अच्छी है। ये मटरों वाला पुलाव बनाएंगे साथ में इसकी फ्रेश चटनी, हाँ 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 बहुत मजा आएगा मुझे। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी ताई अम्मी ऐसे बनाती होती थी मटरों वाला पुलाव शाम के टाइम और साथ में ताज़ा पुदीने की चटनी, तो वो इतनी खुशबू आ जाती है। ये देख कुछ नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया बेटा, काश मैं रिकॉर्डिंग करती।
जाना था तो अब मिल गया आपको। हाला इस पे अभी इतनी बारिश, इससे पहले भी हुई है, देखे कितनी अच्छी आग लगी। कुछ लगाने की जरूरत, जैसे कोयले फेंके, हाय इस पे बकरा रोस्ट हो कितना मजा आए। इसीलिए ये सफाई हो रही है, अभी इसमें गड़ा खोदेंगे किसी दिन तो वो फिर मियाँ साहब कह रहे थे बकरा लाऊंगा और कुछ रोस्ट करेंगे। वो साथ साथ बेटू, ये वाली सैफ है मेरा बच्चा है ऊपरों ऊपर। अच्छा ये देख, सैफ इसको भी, ये जो है ये बताना सही बात है। हाँ नियत से करे तो जिन नहीं है यहाँ। ये देखे मियाँ साहब सेब नया कैसा होगा सेब है। अब ये सही है, अब जो इस पे फल आएगा ना वो नहीं खराब होगा। सब दरख्त नहीं काटना बेटा, अब उस पे अच्छी शाखे निकल आई साफ सुथरी। मियाँ साहब ऐसे रफली ना फेंके ना, तरतीब से ही हम रखे उधर से भी ना। तरतीब होगी रूबी जब ये बनेगा तो। इसको बनाऊंगा मैं। जी। ऐसे नहीं, अब सफाई होगी इसकी। सैफ ये उठा के इसमें डाल दो बेटा। चलो इसकी सफाई हुई है, इसके बाद इसको बनाएंगे। ये उधर रख दें, इस तरफ इधर। हम ये बेच सकते हैं सस्ते में। हाँ बेच दें सस्ते में अगर एक एक एरो तुर्की दुकान से लेते। हाँ सुबह चल जाते हैं हम कहीं। हाँ बेचे चलो एक एरो, एक एरो का एक किलो, एक किलो एक एरो का। जी परफेक्ट। कहाँ जहन्नम में कभी गए नहीं। जहन्नम में भी ऐसे धुआं होगा। इस पर मिर्ची आई देखी है आपने, बुध गहरी है ना, इसके ऊपर लगी हुई है मिर्ची ये। ये देखे मैं दिखाऊं कि मैंने क्या किया, ये देखे। हाँ। ये। इस तरफ से सारा सफाई की मैंने। ये वो सेब का दरख्त जो नजर नहीं आता था, ऊपर से सारा काट दिया था हमने, नीचे से था रहता तो वो फिर से उसकी शाखे आ गई। ये
जी बेटा हैं मैं सिर्फ उपकरण से पकड़ना इसलिए अच्छा चले ठीक है देख कितना अच्छा मौसम हो गया ये देखें जी अब मैं बनाती हूँ वीडियो तो फिर मैं जो काम करती हूँ वो तो नहीं आप लोगों को नज़र आएगा बच्चों को फिर मैं कहती हूँ ये भी करें साथ में मिलके तो वो भी करते हैं ऐसी बात नहीं है कि मगर ये कि वो फिर बच्चे ही नज़र आते हैं आपको करते हुए काम है ना ये देखें अब नीचे इसके फर्श था ये देखें लड़ भी रही हैं दोनों बहनें और प्यार भी बढ़ा है आपस में दोनों का दोनों ने सुन ली है मेरी बात मैंने कहती होती हूँ ये फिल्मी बहनें हैं इनकी माँ भी ऐसी है खैर से पापा भी हैं जी मैंने कहा बेटा ज़रा बनाओ जुल्म दिखाऊं तुम पे जो मैं कर रही हूँ बड़ी खाला बड़ी अम्मा ये देखिए सेब का दरख्त कितना अच्छा हो गया है ये मैंने सारी मिट्टी लगा के सही की है मिट्टी लगाने के बाद फिर मैंने वो वाला दरख्त है उसकी वो शाखें देखा कितनी थी जब आप शुरू में वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो अब वो मैंने सारी मैंने और फिज़ा ने मैंने काटी फिज़ा ने उठा के इस तरह सारा कूड़ा जो है वो रखा उधर एक तरफ इस दरख्त की भी जो नीचे नीचे को शाखें थी वो सारी काट दी अब हम काम कर रहे हैं बंद इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी वीडियो के थ्रू मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़